पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जग्गा जेल का कोट तोड़ के भाग जाता है और मेहुल मैजिक वाटर यूज करके कुशल को ड्रीम से जगा देता है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। उसके पहले जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गोगो के अड्डे के अंदर जाने के लिए कोड है और जग्गा ने ये कोड सॉल्व कर लिया था। जग्गा ने ये कोड कैसे सॉल्व किया चलिए देखते हैं। जग्गा बाहर खड़ा था और ध्यान से देख रहा था कि आदमी गार्ड को क्या कोड्स बोलते हैं। पहला आदमी जाता है, गार्ड बोला दो, तो आदमी बोला पांच। दूसरा आदमी जाता है, गार्ड बोला तीन, तो आदमी बोला दस। तीसरे के टाइम पे गार्ड बोला चार, तो आदमी ने बोला 17। तो जब जग्गा गया तो गार्ड ने बोला 5। अब आप बताएं जग्गा क्या बोलेगा अंदर जाने के लिए। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जग्गा बोला 26। अगर आप पहले आदमी के नंबर्स को देखेंगे तो गार्ड ने बोला 2 और आदमी ने बोला 4, मतलब 2 × 2 + 1। दूसरे में 3 तो 10, मतलब 3 × 3 + 1। तीसरे में 4 तो 17, मतलब 4 × 4 + 1, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई होके +1। तो जब जग्गा के टाइम पे गार्ड ने 5 बोला तो जग्गा ने 5 × 5 + 1, इसीलिए 26 बोला। जग्गा अंदर जाता है तो गोगो खुश हो जाता है। उसी खुशी में गोगो अपने चार आदमियों को बुलाता है और उन्हें 9 कॉइन्स देता है। आदमी 4, कॉइन्स 9, बड़ी नाइंसाफी है। कैसे बांटेंगे इस 9 कॉइन्स को चार लोगों में। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूं मैं पहेलियों से खो खो। गोगो बोलता है, इनमें से एक कॉइन हल्का है, अगर तुम में से कोई बस 2 बार तराजू यूज करके मुझे हल्का कॉइन बता देगा तो मैं उसे ये एक्स्ट्रा कॉइन दे दूंगा। याद रहे, तराजू सिर्फ 2 बार यूज करना है और हल्का कॉइन बताना है। आप बताएं आप ये कैसे करेंगे। आप समय के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 9 कॉइन्स को 3-3-3 में डिवाइड कर देते हैं और तराजू के एक तरफ पे 3 कॉइन्स रखते हैं और दूसरे तरफ पे 3 कॉइन्स। अगर दोनों बराबर आए तो बचे हुए 3 में एक कॉइन हल्का है, या अगर एक कम या एक ज्यादा आए तो जो ऊपर गया उसमें हल्का कॉइन है। मतलब पहली बार में हमें ऐसे 3 कॉइन्स मिल जाएंगे जिसमें से एक कॉइन हल्का है। अब बचे हुए 3 में से हम एक एक कॉइन तराजू पे रख देंगे। अगर दोनों बराबर आए तो बचा हुआ कॉइन हल्का है, और अगर एक ऊपर या एक नीचे गया तो ऊपर जाने वाला कॉइन हल्का है। मतलब 2 बार में हमें पता चल जाएगा हल्का कॉइन कौन सा है। और पहले वाले ने सही जवाब दे दिया। गोगो खुश हुआ और उसे तीनों कॉइन दे दिया। बैंक एक्स से जो पैसा लूटा था उसको उड़ाने के लिए जग्गा और गोगो दोनों पब चले गए। दोनों पब में मस्त पार्टी कर रहे थे। वहां दोनों को ढूंढते हुए कुशल पहुंच जाता है। जग्गा, तो कुशल तुम बच गए, अपने ड्रीम से वापस आ गए। चलो कुछ पहेलियां खेलते हैं। और दोनों एक टेबल पे आमने सामने बैठ जाते हैं। जग्गा, एक पहेली मैं पूछूंगा और एक पहेली तुम पूछना, देखते हैं किसमें कितना है दम। मेरा नाम है जग्गा, कर दूंगा मैं पहेलियों से सबको हक्का बक्का। कुशल, तुम्हारे सामने 10 कॉइन्स रखे हुए हैं, 5 हेड्स है और 5 टेल है। अब मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा और मैंने सारे कॉइन्स को मिक्स कर दिया है। चलो अब 5-5 के 2 सेट बना के दिखाओ जिसमें दोनों तरफ बराबर हेड और टेल होने चाहिए। मतलब अगर एक सेट में 4 हेड और एक टेल है तो दूसरे सेट में भी 4 हेड और एक टेल होना चाहिए। बताओ कुशल, तुम ये कैसे करोगे। क्या आप बता सकते हैं। समय के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो आप 5-5 के कॉइन्स अलग अलग कर दीजिए, उसके बाद कोई भी एक सेट के सारे कॉइन्स को उल्टा कर दीजिए तो दोनों तरफ बराबर हेड्स और टेल्स हो जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले 5 हेड और 5 टेल्स थे, फिर कॉइन्स को डिवाइड कर दिया। समझ लीजिए एक तरफ 3 हेड और 2 टेल हो गए और दूसरी तरफ 2 हेड और 3 टेल हो गए। अब मैं पहले सेट के कॉइन्स को उल्टा कर दूंगा तो वो हो जाएंगे 3 टेल और 2 हेड, जो सेट 2 जैसा हो गया। अब अगर समझ लीजिए मैं सेट 2 के कॉइन्स को उल्टा करता तो वो हो जाते 2 हेड और 3 टेल, जो सेट 1 जैसा हो जाता। आप और कैसे भी अलग अलग करके इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको सिर्फ कोई भी एक सेट के कॉइन्स को उल्टा करना है। तो इस तरीके से कुशल ने जग्गा की पहली सॉल्व कर दी। अब कुशल की बारी है जग्गा से पहली पूछने की। क्या पहली पूछेगा कुशल? क्या जग्गा आंसर दे पाएगा? देखते हैं अगले वीडियो में। आप अगला वीडियो मिस ना करें इसलिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।